अपने कमांडर के बिना पूछे, अधिकारी के बिना पूछे, खेती में बढ़ना खाल पिक जगी खाल सकली पिछड़ा कोई। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने के खिलाफ शामली के किसान पुरजोर आवाज बुलंद कर रहे हैं। 24 मई को अधीक्षण अभियंता दफ्तर पर भाकियों के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। चेताया कि ऊर्जा निगम मीटर लगाना बंद करे और किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। कितने कड़े तेवर और शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो आपने अभी सुना ही। भाकियों नेताओं ने यह भी कहा कि फ्री बिजली का वादा कर अब सरकार किसानों को धोखा दे रही है। 25 मई को गंगेरू के बिजली घर पर किसान महापंचायत का निर्णय लिया गया। पहले भी भाकियों के नेतृत्व में चौसाना क्षेत्र के किसान मीटर उतार चुके हैं। ऐसा ही कोई निर्णय महापंचायत में लिया जा सकता है। आइए सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान और दूसरे नेताओं ने क्या कहा। भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ था और आपने भी आप इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात मैं पहले भी कही थी, हम मुकदमे से नहीं डरते। जो आपका किसी ने गलत बताया जाए मैं ये तो डर देंगे या हो जाएंगे मुकदमे, आम 10 लगवा लो। इन ऐसी सात मीटर पहले भी पटे और ये भी पटेंगे। हम पहले भी आपसे निवेदन करे थे आप पटवा लो, नहीं तो हम पढ़े हम नेता जी पटेंगे जो मीटर पटते हो। अरे मीटर हम भी कहे नहीं पाड़ के लगाए ये भी देंगे, जो होगा यहीं पर यू जो है जंगल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मीटर यहीं से पट पाओगे। और बताओ हम यहाँ से चले गए या तो आपका विभाग उन्हें वापस ले रहा वहाँ एक अपने जेब को लगाओ मीटर अभी जमा करोगे, नहीं तो जो है हम यहाँ से जाने वाले नहीं, मीटर यही आ जाएंगे पटकर सबके बच्चे गंगा जी के गाँव है ऐसे दफ्तर में भरते जाएंगे ही। बताओ जेब को लगाओ नहीं लगा से नहीं मंगवाएंगे उसका जवाब दो, नहीं तो मैं अभी कॉल कर लूँ अभी मीटर आने शुरू हो जाएंगे। आप तीन दिन की कोई गुंजाइश नहीं ना तारीख की कोई गुंजाइश है, सबके बच्चे हैं घर ठीक है जी। इसमें आपको करना, इसमें डिसीजन आप ये वहाँ लगाओ किसी का यहाँ मंगावे या यहाँ मंगावे, आप मुझे बताओ मीटर यही कट पाओगे। अब गुंजाइश नहीं है इसमें, तीन दिन का टाइम है भाई साहब, भाई बैठ जाओ। अपने कमांडर के बिना पूछे, अधिकारी के बिना पूछे, खेतों में बैठना खाल पिक जगी खाल सकली पिछड़ा कोई। जाओ स्वागत है आपका, स्वागत करते हैं, कानून से चलो, जो नियम है जो वादा कर रखा सरकार ने उसके वादे के हिसाब से चलेंगे हम। वादा खिलाफी करेंगे तो हम भी मोर्चे में खड़े, जनता को पता तो चलेगा। सरकार ने हर उसका बात किसानों को बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, आज काशा भी चला रहे। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में बिजली की है, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। आप अपनी मर्जी से बगल में हरियाणा प्रदेश है वहां तो बहुत कम बिल आ गए, पता नहीं किस हिसाब से चल रहे। बोल जाओ किसी को सुना खो ये नई नई तरह की अफवाह चल रही, तम न पाड़ लिया भरम, तम न भरम पाड़ लिया। किसान एक है एक, अगर किसान को आ जाएगी तो यहाँ फतासी वाला नजराना पैदा करो, इसके जिम्मेदार आप हो जाओगे। किसी भी तरह किसान हटता नहीं,